मैं ओमेंद्र सिंह अलीगढ़ से ब्यूरो चीफ डीवी भारती समाचार, और यहाँ इस समय मैं सराय हनराय में हूँ। और हनराय में 11 जून को ये हत्याकांड हुआ है। उस हत्याकांड के संबंध में जो पीड़ित हैं उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका, जरा बताओ। मेरा नाम हरकेश यादव था। मेरे भतीजे का 11 जून को रात को 11 बजे करीब मर्डर हुआ है। उस मर्डर में मैंने पुलिस को तहरीर दी। मेरी तहरीर पर न कार्रवाई करके किसी दूसरे निर्दोषों का नाम लिखकर नई तहरीर बना दी गई। जब मैंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया उसमें एक अभियुक्त को जेल भेज दिया आशीष को, बाकी 3 अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और हमें धमकियां दे रहे हैं, कोई अप्रिय घटना भी कर सकते हैं। इस संबंध में मैंने सभी अधिकारियों को और एसओ साहब के लिए अवगत करा दिया, लेकिन वो मेरी कोई सुनताई नहीं है और ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। कहते हैं जांच हो रही है, जबकि हम परेशान हैं और हम हमारे बड़े भाई सदमे में। जी आपका सुना क्या, जरा बताओ। एकदम मर्यादा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हुआ है? मेरे बेटे की हत्या कर दिया है, हत्यारे फरार घूम रहे हैं सर। जी जी। और जब मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो पुलिस मुझसे कहती है कि हमारी मदद करो आप, जबकि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए और वो कहते हैं हमारी मदद करो। उल्टा सीधा वीडियो दिखाकर हमसे कहते हैं तुम्हारा बेटा जिंदा है, लेकिन जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ की उन पर न तो कोई वीडियो है, न कोई सीडी है और ना ही कोई ऐसा प्रूफ है जिसे वो दे सके। ये किस आधार पर बता रहे हैं जिंदा है? ये इस आधार पर बता रहे हैं कि 9-10 बजे करीब हमने यहाँ से जाते हुए देखा, यानी वीडियो निकलवाया है इन्होंने। कहते हैं कि हमने यहाँ से जाते हुए देखा, ये हाईवे के रास्ते अकेला जा रहा है इस आशीष के साथ। साफ आशीष के ही साथ थे वो हत्यारे, रविंदर, लोकेश, टीटू, ये सारे हत्यारे आशीष के ही साथ थे। आशीष बुलाकर ले गया, उन्होंने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सब अलग अलग हो गए और मेरे बेटे की हत्या करने के बाद बॉडी को भी अज्ञात में भेज दिया पोस्टमार्टम हाउस। अच्छा। किसी हॉस्पिटल में भी नहीं दिखाया मृत है या जिंदा। दूसरा हॉस्पिटल करीब जोरे पड़ता है आधा 1 किलोमीटर, उसमें भी उन्होंने नहीं दिखाया कि मृत है या जिंदा। उसके बाद पोस्टमार्टम अज्ञात में बॉडी को भेज दिया। ये पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है, जो भी कुछ है वो जाने, लेकिन हमारे हत्यारे फरार घूम रहे हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और हमें धमकियां दे रहे हैं कि FIR वापस लो वरना हम तुम्हें मार देंगे। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम न्याय चाहते हैं, हत्यारों को जेल भेजा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसी के साथ देखते रहिए डीवी भारत समाचार। अलीगढ़ से ओमेन सिंह धनगर, ब्यूरो चीफ अलीगढ़। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।